बिलासपुर में 20 मार्च से 15 अप्रैल तक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के द्वारा बिलासपुर विधानसभा के अंतर्गत 11 स्थानों में विकास को तरसता बिलासपुर अधूरे निर्माण कार्य को लेकर उन सभी स्थानों पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में कई खामियां उनको नजर आईं, जिसे लेकर रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि 15 साल उनके नगरी प्रशासन मंत्री रहते हैं, उन्होंने बिलासपुर में कई परियोजनाओं को शुरू किया, लेकिन अब उनकी स्थिति देखकर उन्हें खुद पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मैं इन सभी कामों को पूर्ण कराएंगे और एक बार फिर से बिलासपुर में विकास की गंगा बहाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 15 साल बनाम 4.5 साल को कहा कि विकास रेंग रहा है, लिहाजा इनसे विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा इन सभी मुद्दों के साथ अपराध और जमीन को लेकर जनता के बीच जाएगी और इनके भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर उन्हें अवगत कराएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी और निजी जमीनों का बंदरबांट हुआ है, उस पर भी आयोग बनाया जाएगा और इन सभी की जांच कराई जाएगी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि इस 20 तारीख के मार्च से 15 अप्रैल 11 धरने के आप सब साक्षी रहे, और न केवल साक्षी रहे, बिलासपुर के विकास के लिए आम जनता तक उस सारे विषय को आपने पहुंचाया। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है स्थिति सुधारने का, वास्तव में 4.5 साल में सारे काम पूर्ण हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार की सोच में विकास नहीं होने के कारण वो प्रोजेक्ट अधूरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम को हमने प्रारंभ कराया, माँ बिलासा देवी भी यही चाहती है कि इन कामों को पूर्ण भी यही लोग करें तो हम पूर्ण करें। मंत्री जी, 15 साल बनाम 4.5 साल नगर निकाय क्षेत्र में विकास को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि तो अभी कोई तुलना है क्या दौरा करके तो नहीं 15.5 साल और 4.5 साल की कोई तुलना है ही नहीं ना। तुलना तो उससे होती है, 15 साल सरकार दौड़ी है और ये रेंग भी नहीं पाए तो तुलना कैसे होगी? रेंगने वाले और दौड़ने वाले में कभी तुलना हो ही नहीं सकती, बल्कि उल्टा इन्हें रिवर्स गियर और लगा दिया। विकास तो बहुत दूर की बात है। पहला जो लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है, जमीनों को उड़ाने लग गए, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने कर दिखाया। जमीन को उड़ाने लग गए, अपराध होने लग गए, भाईचारा यहाँ का खत्म हो गया। हमको तो विकास भी करना है और इन्हें 4.5 साल में 15 साल में जो हमने एक आसियाना बनाया था, एक बाग बनाया था, इन्हें तो पूरा उजाड़ दिया। हमको तो अब डबल मेहनत से काम करना पड़ेगा, हमारी सरकार बनेगी। मतलब बतौर विपक्ष इस सारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक जो बूथ का हमारा नेता है वो बूथ का चेहरा है। नहीं, हमारे नेता भी हैं, मोदी जी भी हैं, प्रदेश में भी नेता हैं, सब वर्षों से काम किए हैं, जनता सबको जानती है, सब चेहरे हैं। मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में चलाने के तहत? नहीं, मोदी जी का तो मैजिक हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। वो तो पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, वो तो हम सबके लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है, वो देशवासियों के लिए है। मोदी जी हमारी पार्टी के नेता हैं और उनसे जनता बड़ा उनके ऊपर विश्वास है निश्चित तौर पर।